हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं रामवीर को स्वागत करता हूँ इंडिया के नंबर वन स्टडी लर्निंग चैनल वाईफाई स्टडी में। भाई साहब, पिछली क्लास में बहुत कुछ पढ़ लिया है, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं भाई? इस बार हम बात करने वाले हैं गैस वेल्डिंग की। किसकी बात करने वाले हैं? गैस वेल्डिंग की, ठीक है। तो भाई गैस वेल्डिंग की बात करते हैं, और गैस वेल्डिंग में हम बहुत अच्छे ढंग से इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, टैली करने वाले, समझने वाले। अब मुझे एक बात बताओ भाई, गैस वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है, जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। गैस वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, उसका रासायनिक सूत्र लिख करके बता दो आप। तो यार एक काम करो, है ना, तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है इतना बताओ, फिर उसके बाद अपन कार्रवाई चालू करते हैं। हाँ तो भाई सब जल्दी फास्ट करो थोड़ा, जल्दी। हाँ भाई, अब मुझे देखो, गैस वेल्डिंग देखो, अब मैं इधर आ रहा हूँ, आप लोग इधर ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है, जो भी है सबका सही है ना, आप तो इधर ध्यान दो। देखो गैस वेल्डिंग में जो यूज़ में ली जाती है वो क्या ली जाती है, यूज़ में एसिटिलीन। क्या ली जाती है? एसिटिलीन। ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? एसिटिलीन। ध्यान समझना मेरे पॉइंट पर, ध्यान रखना। देखो मैं बात कर रहा हूँ किसकी? गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में जो ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, फिर दोबारा मैं आपसे बोल रहा हूँ, ईंधन का मतलब फ्यूल। ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाने वाली गैस जो है वो कौन सी है? एसिटिलीन है। अब एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? अब रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या बोलना है? C2H2। क्या बोलना है? C2H2, ठीक है, C2H2। रासायनिक सूत्र क्या है? C2H2। अब सुनो मेरी बात, अब लेक्चर हम अब स्टार्ट करेंगे। गैस वेल्डिंग, ठीक है, अब लेक्चर आपका यहां से स्टार्ट होगा। आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है भाई, गैस वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग होता है, किस ईंधन के रूप में किस गैस का प्रयोग होता है, आपने क्या बोला? गैस एटिलीन, ठीक है। मेरा क्वेश्चन आपसे रिपीट ये है कि भाई गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का ही प्रयोग क्यों होता है, दूसरी किसी गैस का यूज क्यों नहीं करते, कारण सही बताओ भाई। अब मुझे एक बात बताइए, बोला ठीक है, अब आपके माइंड में बहुत कुछ आ रहा हो, बोला एसिटिलीन है, ऐसा है, वैसा है, फलाना ठिकाना। सबसे पहले नंबर हमारी मौलिक आवश्यकता क्या होनी चाहिए किसी भी वेल्डिंग को करने के लिए? पहली बात तो उसमें जो उत्पन्न होने वाला टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा उच्च होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होना चाहिए। अब तो गैस वेल्डिंग से अधिकतम कितना ताप उत्पन्न किया जा सकता है, तो आप हमेशा याद रखना 3450 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, है ना, लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, मतलब आप कह सकते हो ना लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप उत्पन्न किया जा सकता है। ये पहली बात होगी। दूसरी बात पे चलते हैं भाई। पहली बात तो ताप उत्पन्न, अत्यधिक ताप उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। दूसरी बात, जो गैस वेल्डिंग में जो गैस प्रयोग में, वो हानिकारक नहीं होनी चाहिए, ठीक है साहब, हानिकारक भी नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, गैस वेल्डिंग में जिस गैस का यूज़ किया जाए वो सस्ती होनी चाहिए कि महंगी होनी चाहिए? भाई गैस की तो बड़ी किल्लत है आजकल, LPG सिलेंडर मामला भारी पड़ रहा है ना, तो कभी कोई किसको गाली देता है, कोई किसको सुनाता है, कोई कुछ बात। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो कुल मिलाकर के अपना LPG गैस का तो हम ऐसे यूज़ कर नहीं सकते, है ना, कहीं। तो गैस वेल्डिंग में ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए जो कि ना आपके कम कॉस्ट जिसकी आए, मतलब ज़्यादा कॉस्ट वाली होनी चाहिए, कम वाली? सीधी सी बात है सर, ये कोई पूछने वाली बात है? सीधी सी बात है, कम होनी चाहिए कॉस्ट, कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। और अगला पॉइंट देखो, अगले पॉइंट पर भाई, अगर हम उस गैस को अपने कार्य स्थल पर ही क्या कर ले, तैयार कर ले, तो बताओ कितना अच्छा काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया बोला यार सर, ये तो सोने पर सुहागा हो गया, जब हमारी गैस क्या हो जाए, हमारे खुद के कार्यस्थल पर ही क्या हो जाएगी, जहाँ पर हमारा वर्कशॉप वहीं पर तैयार हो जाएगी, तो मज़ा आ जाएगा भाई। तो कुल मिलाकर कहा जाए, गैस वेल्डिंग में जिस गैस का हम यूज़ कर रहे हैं ना, उसका नाम है एसिटिलीन। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, एसिटिलीन। किसके रूप में? ईंधन के रूप में प्रयोग में लाए जाने वाली, ईंधन के रूप में प्रयोग लाई जाने वाली गैस, लाई जाने जाने वाली गैस। गैस, ठीक है, तो आपको क्या बोलना है? एसिटिलीन। एसिटिलीन बोलना है तो C2H2 आपको बोलना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन अब गैस वेल्डिंग में अगर एग्जाम में आपसे पूछ लेता है गैस वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग होता है, गैस वेल्डिंग में प्रयोग में लाई जाने वाली गैस, जाने वाली गैस। अब क्वेश्चन बदल गया है, पहले क्वेश्चन था गैस वेल्डिंग में ईंधन के रूप में प्रयोग लाई जाने वाली गैस, ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाने वाली गैस, तो आपको क्या बोलना था एसिटिलीन। अब क्वेश्चन बदल गया गैस वेल्डिंग में प्रयोग में लाई जाने वाली गैस, डायरेक्ट बोला उसने प्रयोग, पहले था ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाए, अब डायरेक्ट बोला प्रयोग में लाई जाने वाली गैस, तो अब आपका जो जवाब है वो जवाब भी क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, और चेंज होने के बाद जवाब जो अब आपका आने वाला है वो क्या है, O2 C2 H2, बोले तो ऑक्सी एसिटिलीन, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, तो आपकी जो गैस वेल्डिंग ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है, एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस बहुत ही अच्छी गैस है, ये क्या नाम है आपके, बहुत ही मतलब आपके आसानी से बनाई जा सकती है, कार्यस्थल पर बन जाती है। सबसे बड़ी इसके अंदर बस एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचता है जिसे हम फेंकना पड़ता है, रिलीज करना पड़ता है, बस इतना प्रॉब्लम। अगर ये ऐसा नहीं होता ना तो शायद ये वाहनों में जाती है और शायद ये क्या नाम है अपने घरेलू तक पहुंच जाती है ना, तो ऐसा वो नहीं है। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए एसिटिलीन गैस बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा अपशिष्ट बचता है उसमें, वो क्यों बचता है वो कारण सही 2 मिनट बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन अभी आप पॉइंट टू पॉइंट समझो एग्जाम में क्या आने वाला है। एग्जाम में आने वाला गैस वेल्डिंग के रूप में ईंधन के रूप में कौन सी आएगी, C2H2। गैस वेल्डिंग में प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन थी, O2 C2 H2, यानी ऑक्सी एसिटिलीन, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा, क्या पूछेगा भाई, वो अपने से एक और पूछेगा कि प्रज्वलक गैस वेल्डिंग में प्रज्वलक गैस कौन सी है, इग्नाइटर का काम करने वाली गैस कौन सी है, जलाने वाले का जलाने या प्रज्वलक करने का काम कौन सी है, तो आपको बोलना है ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, प्रज्वलक गैस ऐसी है तो आपको बोलना है ऑक्सीजन, अगर प्रज्वलक के स्थान पर वो बोलते थे प्रज्वलन, ज्वलक और ज्वलन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो अब आपको आंसर बोलना है एसिटिलीन, ध्यान रखना। देखो प्रज्वलक गैस कौन सी है तो आपको बोलना है ऑक्सीजन, और प्रज्वलन गैस कौन सी है तो आपको क्या बोलना है एसिटिलीन। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको अगले पॉइंट पर चले चलता हूँ भाई। पहली बात तो इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस को बनाने के बेदी एसिटिलीन बोले तो C2H2 को बनाने की विधि, वो क्या है, तो जरा इसको भी समझ लो विधि क्या है। तो पहले नंबर पे तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले नंबर पर कैल्शियम कार्बाइड, है ना, शियम कार्बाइड, मैं तो यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला Ca C2, है ना, ये चाहिए। प्लस क्या चाहिए, H2O, कितना चाहिए कैल्शियम कार्बाइड, तो हमारे को चाहिए आपका, देखो हमारे को चाहिए केवल 450 ग्राम, ठीक है, या 4.5 kg कह सकते हो आप इसे, 4.5 kg चाहिए सकते हो आप इसे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको यहाँ पानी कितना चाहिए, आपको पानी यहाँ चाहिए 4.5 लीटर, ठीक है, इतना आपके पास पानी हो। जब आप इन दोनों को मिला दोगे
वैसे तो जनरेटर कहा जाता है जिसके अंदर मिलाया जाता है। तो जब आप इन दोनों को मिला दोगे तो आपके पास बनेगा C2H2। क्या बनेगा आपके पास? C2H2। देखो अब आप इसको कैसे बोल सकते हो, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक अनुपात कितने का रेशियो बन रहा है, लगभग 10 का। आप दोनों के अकॉर्डिंग देख लो, आप लगभग एक अनुपात कितने का रेशियो बन रहा है, 10 का। तो एसिटिलीन गैस को बनाने के लिए क्या नाम है आपके, कैल्शियम कार्बाइड और पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1:10। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले नंबर पे तो ये ठोस अवस्था में मिलता है। ये कहाँ मिलता है, ये कैसा मिलता है, ठोस मिलता है। और इसको हम बात करते हैं, पानी तो हर जगह उपलब्ध है, साधारणतः उपलब्ध है। तो हम इन दोनों को मिला करके क्या बना सकते हैं, C2H2। लेकिन इसके जब ये बना लेते हैं उसके बाद में क्या बनता है, जो एक इस तरीके का वो बर्तन होता है, एक तरीके का सिलेंडर होता है, वो सिलेंडर थोड़ा सा इस तरीके पैक होता है, इसके अंदर से हैंडल जाता है, इसके अंदर हैंडल जाके थोड़ा सा इस तरीके से मुड़ रहा होता है। वो हैंडल क्या करते हैं आपके, इस तरीके से घुमाते हैं, घुमाने पर ये देखो इस तरीके का की मतलब होल वो रहता है, और यहाँ से क्या होते हैं, पाइप निकल करके दो बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब इस पाइपों के थ्रू हम क्या करते थे, ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, अपने पैक कर लेते हैं किसी भी जगह। तो इस तरीके का कुछ जनरेटर टाइप का कुछ रहता है इसके अंदर। तो इससे समझ रहे हो ना मेरी बात को, नहीं समझ रहे हो आप लोग मेरी बात को, समझ लो जरा थोड़ा सा और। तो ऊपर की साइड से बंद रहेगा, ये हैंडल ऊपर की साइड जाएगा, ये हैंडल इस तरीके से, ये आगे की साइड इस तरीके से निकला हुआ रहेगा। जब आप इसको क्या करो, घुमाओगे, तो अंदर ये वाला पार्ट भी क्या होगा, घूमेगा। तो इसके अंदर क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बाइड और ये। अब यहाँ पर जो आपका जो पाइप लगाओ ना, उस पाइप के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एसिटिलीन C2H2 का आप इकट्ठा कर सकते हो। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, सिंपल सी बात थी, ठीक है। अब लाने ले जाने में सुविधा, यानी ठोस चीज़ें लाने ले जाने में सुविधा, पानी के साथ मिलाने पे गैस तैयार हो गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसकी कॉस्ट बहुत कम आई। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं भाई, प्रज्वलक समय में सब समझा दिया, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं भाई। पूछा जाता है कलर के बारे में ज़रा ध्यान देना। पूछा जाता है कि भाई गैस वेल्डिंग में O2 ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो बोले या कोई पूछे O2 का सिलेंडर कैसा, किस रंग का होता है, तो आपको क्या बोलना है, किस रंग का आपको दिखाई दे रहा है, काला। कैसा दिखाई दे रहा है, काला रंग का, ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछता है कि भाई O2 का सिलेंडर का रंग कैसा होता है, काला, ठीक है। और उसके बाद में पूछेगा C2H2 एसिटिलीन के सिलेंडर का रंग कैसा होता है, तो आपको एसिटिलीन के सिलेंडर का रंग बोलना है, C2H2 के सिलेंडर का रंग कैसा होता है, आपको क्या बोलना है, लाल या मेहरून। क्या बोलना है, दो वर्ड है, लाल या मेहरून। अब इसे बोलते हैं रबर हॉस, ठीक है। रबर हॉस का रंग कैसा होता है, दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन के सिलेंडर का रंग कैसा होगा, काला हो। रबर होस का रंग कैसा होगा, काला होगा। इसके साथ साथ आपके उसका रंग कैसा होगा, एसिटिलीन के सिलेंडर का रंग कैसा होगा, सिलेंडर की रबर होस का रंग कैसा होगा, वो होगा लाल, ठीक है। अब यहाँ पर ये आती है निप, है ना, ये निडल जो सॉरी आपका क्या नोजल, ये नोजल किस धातु का बना रहता है, ये पूछा जाता है क्या एग्जाम में, नोजल, है ना। लेकिन नोजल से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि गैस वेल्डिंग में जो अधिकतम ताप जो उत्पन्न होता है वो कितना होता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग बोल रहा हूँ ना, लगभग कितना है, 3500 डिग्री। कई बुक है आपको 3450 लिखेंगे, 3450 सही आंसर है, ऐसा नहीं है मैंने अभी 3500 लिख दिया, मैं भी 3450 को ही फॉलो करता हूँ ना। तो 3500 भी लिखा मिलेगा, 3600 भी लिखा मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 3500 पे आपको रहना है, ठीक है ना। तो लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो बताओ नोजल किस धातु का बनेगा, मेरा छोटा छोटा क्वेश्चन है, सिंपल सा, नोजल किस धातु का बनेगा। अब ऑप्शन भी देता हूँ भाई, आप टंगस्टन का बनाओगे, आप पीतल का बनाओगे, आप तांबे का बनाओगे, आप सोने का बनाओगे, है ना। बोला सर सोना तो होने वाला नहीं है, ठीक है, पीतल और तांबा, तांबा और लगभग पीतल दोनों एक जैसी चीज़ है, ठीक है, पीतल और तांबे में से कोई हो सकता है। टंगस्टन का गलनांक बहुत अच्छा होता है, 3450 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम 3450 और ये उत्पन्न कितना कर रहा है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है, लगभग 3450, तो यार टंगस्टन का बना रहना चाहिए, कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा टंगस्टन का बना सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ पर टंगस्टन का नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि देखो जो ज्वाला होती है ना, जो ज्वाला या फ्लेम जो क्रिएट होता है ना, वो फ्लेम क्रिएट होता है इस नॉब की टिप से थोड़ी दूराई पर। कितने एमएम की दूराई पर, 2 से 3 एमएम की दूराई पर। आपने देखा होगा
कभी वो कुछ मूवीज वगैरह में देखा है ना आपने, वो क्या नाम है, वो मुंह में पेट्रोल या केरोसिन या जो भी चीज़ें भर लेते हैं, भरने के बाद में एक डंडा रहते हैं उसके ऊपर आग रहती है, आग फूंक मारते हैं, फूंक मार दो गुब्बारा सब कर आग का, ऐसा लगता है मुंह में से आग निकल रही है। हकीकत बात तो ये मुंह में से आग नहीं निकलती, क्या होता है मुंह में से तो फ्यूल निकल रहा है, फ्यूल निकलते ही क्या हो रहा है उसके ऊपर पड़ती तुरंत ही खतरनाक वाला वो गुब्बारा क्रिएट हो रहा है, तो वो मुंह से कुछ दूराई पर आग निकल रही है ना, तो वैसे ही कुछ हिसाब यहाँ पर भी होता है। देखो आग फ्लेम जो है ना, फ्लेम जो जनरेट होती है वो वेल्डिंग पॉइंट, वेल्डिंग जो निब है उससे कुछ एमएम की दूराई पे, 2 से 3 एमएम की दूराई पे जनरेट होती है, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट कहाँ नहीं पड़ता, नोजल के ऊपर नहीं पड़ता। इसलिए नोजल को हम किसका बनाते हैं, नोजल के लिए पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आप हमेशा याद रखना पीतल का, किसका बनेगा पीतल का, पीतल आप जानते हो तांबा प्लस जिंक, जिंक का मिल करके बनता है, ठीक है, तो नोजल किसका बनने वाला है पीतल का, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर 2 वाल्व भी रहते हैं, एक वाल्व ऊपर रहता है एक वाल्व नीचे रहता है, इन दोनों वाल्वों से गैस की मात्रा को क्या करते हैं कंट्रोल भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है तो अगले पॉइंट में हम अगली स्लाइड में देख सकते हैं इस चीज़ को, अगर यहाँ होगा तो हाँ यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, बहुत छोटा है यार, है ना, थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं आपको, छोटा मज़ा नहीं आता यार, है ना, देखो भाई देख लो ये देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा क्या यहाँ पर, ये देखो 2 ऐसे गोल दिखाई दे रहे ना, ये वाला पॉइंट नहीं दिख रहा हो आप, देख लो यहाँ पर ये गोल सॉरी रेड वाला लेता हूँ ना, ये लो अब आपको दिख रहा है सर, वो ये दो दिख रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को हम क्या करते हैं दवा खोलते और बंद करते, खोलते और बंद करते, ये एडजस्टमेंट ही क्या होता है आपका फ्लेम का, फ्लेम को तैयार करता है, मतलब फ्लेम का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ठीक है। अब सुनो, आपसे पूछा जाता है कि भाई जो आपकी कौन सी गैस वेल्डिंग की जो गैस वेल्डिंग की बेसिक जानकारी चल रही है, गैस वेल्डिंग लंबा चलने वाला है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, तो भाई देखो समझना मेरी बात को, घबराना मत बिल्कुल भी, कॉपी ऐड करता हूँ ना। अब देखो भाई सुनो मेरी बात, गैस वेल्डिंग में फ्लेम है ना, ज्वाला के प्रकार, ज्वाला बोलते हैं, फ्लेम भी बोलते हैं ना, फ्लेम है ना ना। तो देखो सबसे पहले नंबर पे आपको मैं आपको यहाँ बता दूँ, मैं अब टेबल बनाने वाला हूँ एक, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं ना, फ्लेम है ना, फ्लेम बोले तो ज्वाला। अब देखो फ्लेम कितने टाइप की होती है, पहले नंबर की फ्लेम लेते हैं, पहले नंबर की जो फ्लेम है वो है कार्बोराइजिंग फ्लेम, पहले नंबर की कौन सी है कार्बोराइजिंग फ्लेम, इसे कार्बुरीकरण के ज्वाला कहते हैं, कार्बुरीकरण हिंदी में कार्बुरीकरण बोलते हैं। दूसरे नंबर की है वो कैसे न्यूट्रल है ना, इसे क्या कहते हैं उदासीन, ठीक है। और एक और है तीसरे नंबर की, आपको तीन ही याद रखनी है, इसमें आपका काम हो जाएगा, एक है ऑक्सीराइजिंग, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं ऑक्सीकरण ज्वाला कहते हैं ना। अब सुनना मेरी बात, क्या होता है ध्यान समझना, हम एक तरफ टेम्परेचर लेने वाले हैं, तापमान, बिल्कुल माइंड पर लोड नहीं डालना, अपने आप ही समझना धीरे धीरे, और यहां पर लेते C2H2 अनुपात O2 है ना। अब ध्यान से समझना यहां पर मेरी बात को, ऐसी मतलब फ्लेम जिसमें आपको टेम्परेचर करना है कम क्रिएट, और टेम्परेचर कम करना क्रिएट है तो बताओ यहां पर जो टेम्परेचर क्रिएट होने वाला है, टेम्परेचर बहुत कम क्रिएट होने वाला वो है 2800 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना है 2800 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे टेम्परेचर क्रिएट करना है वो है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर जो हमें करना है 3450 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब आपको इससे मालूम चली गया होगा ये कम गलनांक वाली धातुएं हैं डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब ये वाली जो धातुएं हैं वो कम गलनांक, और ये क्या है उच्च गलनांक, ये क्या है सभी प्रकार,
चाहे कम वाली आ जाओ चाहे ज़्यादा वाली आ जाओ, ये दोनों पर वेल्डिंग कर देगा। ठीक है, अब आप मेरी बात समझो, जो लोग मेरी क्लास रेगुलर अटेंड कर रहे हैं वो सीधे सीधे समझ गए होंगे सर ने अब कहाँ पर किस जगह पहुँच चुके हैं ना, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो क्या बोला है, जहाँ पर कार्बोराइजिंग फ्लेम होगी, जहाँ पर टेम्परेचर कम चाहिए होगा, वहाँ ईंधन और हवा का अनुपात क्या होगा। तो जरा इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा गाँव ग्रामीण क्षेत्र में जाना पड़ेगा, और ग्रामीण में क्या शहरों में भी आ जाओ तो समझ जाओगे आप लोग। कैसे समझना है, देखो जब भी कोई चूल्हा होता है ना जहाँ रोटियाँ बन रही थी, मैं रोटियाँ पहले मज़ा आता है उसमें, वो तो दूसरी चीज़ मज़ा ही आ जाता है। ठीक है, अब समझ लो मेरी बात को, चूल्हे की जहाँ रोटी बन रही होती है वहाँ आपने देखो हल्की सी फूक बढ़ा देते हैं, फूक बढ़ाती आग बढ़कती है, बढ़कती टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, और वहीं अगर हवा नहीं मिल रही होती उस चूल्हे में से धुआं निकल रहा होता है, ऐसे ही अपन जब सर्दियों में आग वगैरह जलाते हैं तो धुआं निकल रहा होता है, क्या मारते हैं फूक, फूक मारते हैं, ऑक्सीजन का लेवल जैसे ही बढ़ेगा, प्रज्वलक का लेवल जैसे ही बढ़ेगा वही टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी जहाँ ऑक्सीजन होगी ज़्यादा वहाँ टेम्परेचर होगा ज़्यादा। अब सीधी सी बात है, अब ऑक्सीजन कहाँ कम और कहाँ ज़्यादा करनी है, एक तो फ्लेम है मेरे पास ऑक्सीराइजिंग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैं वहीं पर टाइम वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा टाइम वहीं लगाता हूँ, वेस्ट तो नहीं करता, उपयोग में लेता हूँ जहाँ पर आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा समझना, ऑक्सीराइजिंग फ्लेम के अंदर सीधी सी बात है टेम्परेचर क्या चाहिए हमें, ज़्यादा चाहिए है ना, और टेम्परेचर जब ज़्यादा चाहिए तो टेम्परेचर ज़्यादा क्रिएट करने के लिए हमारे को यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए होगी बहुत ज़्यादा। कितनी लेंगे हम, 3 लेंगे, और उसकी अपेक्षा हम जो किसकी मात्रा लेंगे हम, ईंधन की मात्रा कितनी लेंगे, वो 1 ही लेंगे। ठीक है, और जहाँ पर हमारे को क्या नाम है टेम्परेचर चाहिए कम, वहाँ हमें ऑक्सीजन कम चाहिए। अब ऑक्सीजन कम चाहिए तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, तो फिर मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ होगा। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर 2:1, यानी हमने किसको बढ़ा दिया, एसिटिलीन को बढ़ा दिया और ऑक्सीजन को क्या कर दिया, कम कर दिया। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा भड़की हुई चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा कम चाहिए, नॉर्मल एवरेज लेवल चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों का अनुपात कितना रखना पड़ेगा, 1:1। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ क्या नाम है आपके, सभी प्रकार की धातुओं को या धातुओं को वेल्ड करने के लिए एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। अब उसने ये नहीं बोला हार्ड धातु या कम गलनांक वाली धातु, मतलब उच्च गलनांक वाली नहीं बोला उसने, और निम्न गलनांक भी नहीं बोला। तो उस समय पर आपको इस कंडीशन में क्या आंसर लगाना है, 1:1 होना चाहिए। अब पूछेगा बोला कि बताइए कि आपको अगर नाइक्रोम को, नाइक्रोम स्टील है या स्टेनलेस स्टील को आपको करना वेल्ड करना है, तो बताओ ऑक्सीजन और मतलब एसिटिलीन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होना चाहिए। तो 1:1 क्या बोलना, 3, आपको मालूम होना चाहिए कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, या फिर उच्च गलनांक वाले जो आपको वेल्ड करने के लिए किसका होना चाहिए, तो 1:3। एक और बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, वेल्डिंग कोई सी पढ़ लो आप, दुनिया की जितनी वेल्डिंग आप पढ़ोगे, जितना टेम्परेचर क्रिएट होता है ना उसका जस्ट आधा ही उपयोग में लाया जाता है। देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक जगह आपको दिख रहा है 3450, एक जगह आपको दिख रहा है 2800, एक तरफ दिख रहा है 3000, ये टेम्परेचर क्रिएट इतना हो रहा है। लेकिन हकीकत बात तो ये है कि अगर हम इसका टेम्परेचर करें जस्ट आधा, आधा यानी 3000 का आधा कर दे तो होता 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जो वस्तुएं होंगी वो वेल्ड करी जाएंगी न्यूट्रल फ्लेम से। अब 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बहुत सारी धातुएं वो वेल्ड की जाती है। अच्छा इधर देखो 2800 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो 2800 डिग्री सेंटीग्रेड को कर दो कितना, आधा, तो कितना हो गया लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, 1100 से 1400 के बीच में लगभग मान सकते हो आप, कह सकते हो, मतलब 1400 से कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं जाएगा है ना, तो 1400 से कम यानी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब समझ में आ रही हुई बात, यानी हम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से वेल्डिंग करना शुरू कर सकते हैं, और कहाँ तक जा सकते हैं, हम जा सकते हैं 17 दुनी 34 होता है लगभग 1800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, या 1700 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, यानी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 भी नहीं कहूँगा मैं, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड की धातुओं को आप क्या कर सकते हो, वेल्ड कर सकते हो। ठीक है, अब 1100 के लगभग में कौन सा आ गया, कॉपर, कॉपर कितना है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इससे एल्यूमिनियम पर वेल्डिंग हो सकती है क्या, जरा दिमाग से सोचो जरा भाई, एल्यूमिनियम 659.5 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत कम गलना है, यानी 660 डिग्री सेंटीग्रेड, एल्यूमिनियम पर कभी भी ये वाली वेल्डिंग नहीं होने वाली। तो गैस वेल्डिंग में कभी भी एल्यूमिनियम पर नहीं की जाती, तो ठीक है, तो गैस वेल्डिंग में अधिकतम तापमान कितना होता है, बोलना 3450 है ना, सभी धातुओं के लिए कितना 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, और सबसे कम कितना होता है 2800 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, गैस वेल्डिंग में सभी प्रकार की धातुओं को या किसी भी धातु को, विशेष छोट नॉर्मल धातु जिसका गलनांक लगभग
हज़ार से 1200-1500 के बीच के लगभग हो तो वहाँ आपको क्या करना है, मतलब सॉरी 1300 से लगभग 1600 के बीच का कोई गलनांक आता है तो आपको ये मान के चलना है 1:1 लगाना है। अगर 1000 के आसपास, 1200 के आसपास, 1300 के आसपास अगर कोई आता है तो आपको कार्बोराइजिंग डालना है। अगर स्टेनलेस स्टील और स्टेनलेस स्टील के बाद में कोई एलॉय स्टील आ जाता है आपके सामने तो आपको 1:3 लगाना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब सुनो मेरी बात, प्लेट की मोटाई के अकॉर्डिंग भी चला जाता है यहाँ पर। धातु का गलनांक उच्च ऐसा मतलब ये नहीं है कि वो उस पर हमेशा मतलब आपके ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ही यूज़ में ली जाए, नहीं। अगर वो धातु का गलनांक उच्च और प्लेट क्या है पतली है तो पतली शीट पर हमारे को फिर क्या यूज़ में लानी पड़ेगी, कार्बोराइजिंग फ्लेम ही यूज़ में लानी पड़ेगी। ये बात भी आप ध्यान रखना। तो पतली शीटों पर कौन सी वेल्डिंग होती है तो यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लो क्योंकि आप तो कांड करने में देरी तो लगाते नहीं हो, है ना। तो पतली शीट पर जो प्रयोग में लाई जाएगी वो गैस वेल्ड गो कौन सी, कार्बोराइजिंग फ्लेम, है ना। और मोटी शीट पर जो आएगी वो कौन सी वाली फ्लेम होगी, वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना इसमें, कोई परेशानी तो नहीं है। चलो ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। अब सुनो, गैस वेल्डिंग कहाँ से लेकर कहाँ तक की धातु को क्या कर सकता है, वेल्ड कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे अप्रेंटिसशिप से लेकर के और आपके टेक्निकल के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ना रेलवे के, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। और क्योंकि ये क्वेश्चन आपको क्या करता है, गोल 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 क्या करता है, घुमाता है। तो जरा ध्यान सुनना, जो गैस वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग 3 mm, कितने mm भाई सुन लो, 3 mm, जानते हो ना 3 mm कितना सा होता है, 3 mm, 3 mm से कितने mm तक वेल्ड कर सकती है, ध्यान रखना, भूलना मत, भूल जाओगे फिर देखना। अब तुम मेरे सामने नहीं बैठे, नहीं तो तुम्हारे को ना उड़ा देता अब तक, भूलते बहुत जल्दी हो। ध्यान सुनो, 3 mm से कितने mm तक, 12 mm तक, ठीक है, 12 mm तक हम क्या कर सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं। अब आप मुझे जल्दी बताओ, 3 से 12 के बीच में क्या आता है, 3 से 12 के बीच में क्या आता है, तो 3 से 12 के बीच में अगर आप चलोगे तो आपको एक संख्या मिलेगी 8, है ना, कि नहीं, क्या मिलेगा, 8 mm। तो 3 mm से 8 mm, जरूरी थोड़ा हमेशा 3 ही मिलेगा, है ना, 3 से बड़ा करके कितना हो सकता है, 8, है ना। और 8 से 12 यानी कि 8 mm से अधिक मोटाई की जो प्लेट है वो गैस वेल्डिंग में प्रयोग में ले जाए, मतलब 8 mm से क्या नाम है आपके 12 mm तक एक फ्लेम काम में ली जाएगी और 3 mm से। अब देखो दोनों में वेल्डिंग करने की टेक्निक भी क्या होती है, अलग अलग हो जाती है ना। अब ये वेल्डिंग टेक्निक वाला चैप्टर आने वाला है जैसे, है ना। तो अगर हम बात करने वाले हैं तो वेल्डिंग टेक्निक पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पतली शीट को हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार वेल्डिंग टॉर्च को हटाना पड़ेगा अपनी जगह से। और जो बार बार हटाते तो हम इसको यूज़ में लेते हैं राइट हैंड में, राइट हैंड से हम कहाँ की तरफ चलते हैं, लेफ्ट, है ना। तो ये वाली जो वेल्डिंग टेक्निक होती है वो होती है लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग। कौन सी वेल्डिंग टेक्निक होती है, लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग, इसे बैकवर्ड वेल्डिंग भी कहते हैं, इसे वामावर्त वेल्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं लेफ्ट वर्ड के बाद में ये आता है अपवर्ड, है ना, या लेफ्ट वर्ड के राइट वार्ड वेल्डिंग, ठीक है, या फिर अपवर्ड वेल्डिंग इसे, या फिर दक्षिणावर्त वेल्डिंग, ठीक है। अब सुनो, वेल्डिंग करने का और चीज़ें सब जरा समझना भाई, क्या होता है, हमें एक ग्रुप बनाना पड़ता है, हमें क्या बनाना पड़ता है, खांचा बनाना पड़ता है, हमें क्या बनाना पड़ता है, एक खांचा, है ना। तो जरा समझते हैं जरा किस तरीके से क्या होता है। देखो, ग्रुप जो बनेगा वो 90 डिग्री एंगल पर यहाँ बनने वाला है, कितने डिग्री एंगल पर बनने वाला, 90 डिग्री एंगल पर बनने वाला है, है ना। और इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को।
समझ में आ ही रहा हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। अच्छा अगले पॉइंट पर देखो, यहाँ पर भी देख लो आप, है ना, ज़्यादा मोटी होगी लाइन, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है हमें यहाँ पर, क्या होता है वेल्डिंग, अब सुनना मेरी बात, अगर पतली शीट पर आपने अधिक समय के लिए क्या रख दी, वेल्डिंग टॉर्च को रख दिया आपने, पतली शीट पर अधिक समय के लिए अगर वेल्डिंग टॉर्च को रख दिया तो वेल्डिंग टॉर्च वहाँ पर क्या कर दी, खड्डा करेगी, तो आपको क्या करना पड़ा, वेल्डिंग टॉर्च को तुरंत उठाना पड़ेगा। मेरे पास दो हाथ है, दो हाथों में से एक हाथ तो ज़्यादा काम करता है, एक हाथ कम काम करता है। अब सुनना मेरी बात, जो हाथ काम करता है ज़्यादा, यानी कि हमें वेल्डिंग टॉर्च को बार बार उठाना पड़ रहा है, यानी काम ज़्यादा हो रहा है, तो हम वेल्डिंग टॉर्च को पकड़ लेंगे राइट हैंड में, किस में पकड़ेंगे, राइट हैंड में। तो ज़रा ध्यान से समझो, जरा वेल्डिंग टॉर्च को हम कहाँ पकड़ने वाले, राइट हैंड के अंदर। तो देखो ये वेल्डिंग टॉर्च, दो सेकेंड, ठीक है, ध्यान से समझना, वेल्डिंग टॉर्च को हम किसे पकड़ने वाले, राइट हैंड के अंदर, ठीक है। तो राइट हैंड के अंदर हम वेल्डिंग टॉर्च को जब हम पकड़ेंगे, ये वेल्डिंग टॉर्च बना रहा हूँ मैं, आपकी कोशिश कर रहा हूँ पूरी अच्छी तरीके से बनाने की। वेल्डिंग टॉर्च को हम यहाँ किस में पकड़ने वाले, राइट हैंड के अंदर, किसके अंदर पकड़ने वाले, राइट हैंड के अंदर, ठीक है। अच्छा अब देखो, वेल्डिंग टॉर्च को हमने जब राइट हैंड के अंदर इसको पकड़ लिया, किसके अंदर पकड़ लिया, राइट हैंड के अंदर। तो राइट हैंड के पकड़ने के बाद राइट हैंड को तो आप ऊपर नीचे आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जब राइट हैंड आपका ऊपर की, बार बार ऊपर की साइड जाएगा, तो ये सतह के साथ जो एंगल बनाने वाली है वो कितने डिग्री का बनेगा, 60 से 70 डिग्री का बनेगा, है ना। अच्छा इसके साथ जो फिलर रोड होगी, फिलर रोड का जो एंगल बनेगा वो हमेशा याद रखना, फिलर रोड का आपको हमेशा एंगल, हमेशा के लिए याद रखना है, ये एंगल हमेशा कितना रहता है, 30 डिग्री। आपको कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें हमेशा आपका एंगल फिक्स है, इसका एंगल हमेशा कितना रहेगा, 30 डिग्री। कोई भी एंगल में आ जाए, फिलर रोड का एंगल हमेशा कितना रहता है, 30 डिग्री। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, देखो इस तरफ आते हैं, इस तरफ क्या रहेगा, थोड़ा सा हमें क्या डाउन करके, किसको डाउन करके, टॉर्च को डाउन करके वेल्डिंग करना रहेगा, टॉर्च को डाउन करके वेल्डिंग करना रहेगा। तो ध्यान से समझना, ये देखो ये इस तरीके से, ये मैंने थोड़ा डाउन कर दिया ना, डाउन करने के बाद में वेल्डिंग होगा, तो ये कितना होगा, ये 50 से 60 डिग्री का एंगल होगा, कितने डिग्री का एंगल होगा, 50 से 60 डिग्री का एंगल होगा। चलो मैं लिखता हूँ ढंग से, थोड़ा सा इज्जत के साथ में, चलो ठीक है ना। ठीक है, ये कितने डिग्री का एंगल होगा यहाँ पर, 50 से 60 डिग्री का एंगल होगा। मैं थोड़ा समझ बता रहा हूँ इसको, कितना हो, 50 डिग्री से 60 डिग्री का एंगल होगा। अच्छा यहाँ पर जो वेल्डिंग टॉर्च, वेल्डिंग जो अपनी छड़ जो होगी ना, वेल्डिंग की जो फिलर रॉड जो होगी, फिलर रॉड है ना, अब फिलर रॉड मैंने बहुत मोटी बना दिया, हकीकत बात है बहुत पतली रहती है, 3 mm से 5 mm के बीच में रहेगी, जितनी फिलर रॉड की मोटाई होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या रखना पड़ता है, गैप भी मतलब उतना ही हमें क्या नाम है आपके क्या नाम है शीट की मोटाई के लगभग में रखना पड़ता है ना। तो ये भी कितना डिग्री होगा, ये तो यहाँ कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री फिक्स रहता है, फिलर रॉड का कितना रहता है। अब कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा, सर फिलर रॉड का एंगल आपने 30 डिग्री बताया, लेकिन फिलर रॉड की धातु तो आपने हमें बताई नहीं, फिलर रॉड की धातु क्या होती है। तो ध्यान से सुनना, फिलर रॉड की धातु वही धातु होगी जिस धातु पर आप क्या कर रहे हो, वेल्डिंग कर रहे हो। अगर आप किसको कॉपर में वेल्डिंग कर रहे हो तो कॉपर की लाओ, अगर आप किस पे एल्यूमिनियम में नहीं सॉरी अगर आप सिल्वर पर वेल्डिंग कर रहे हो, सिल्वर के आयरन पर कर रहे हो, आयरन की जो भी आप जिस धातु पर कर रहे हो, तो उस धातु की आपको क्या लेकर के आनी पड़ेगी, फिलर रॉड लेकर के आनी पड़ेगी। अच्छा वेल्डिंग जिस हाथ से होती है, देखो जिस हाथ में टॉर्च पकड़ते हैं, टॉर्च जो हाथ जिस हाथ में हम टॉर्च पकड़ते हैं उससे कभी वेल्डिंग नहीं होती, वो केवल गर्म करता है। गर्म करने के बाद मटेरियल पिघलता किससे, फिलर रॉड से। फिलर रॉड क्या करता है, जो मटेरियल पिघल कर इधर उधर जा रहा होता है ना, तो संभालने का काम हमेशा कौन करता है, फिलर रॉड करता है। फिलर रॉड जब संभालने का काम करता है, तो कुल मिलाकर कहा जाए ये लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड में हमने फिलर रॉड को पकड़ा हुआ है, तो इसे लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग कहलाएगी, ठीक है। और इस जगह हमने किस में, देखो मैंने बनाया है चित्र समझाने के लिए बनाया है ना, तो इसमें हमने टॉर्च को जो पकड़ा हो वो हमने किस में पकड़ा हो, लेफ्ट में पकड़ा हो, और ये रॉड जो पकड़ी हुई वो किस में पकड़ी हुई, राइट में। बनाने में मैंने अपनी इच्छा मतलब उसके अनुसार बनाया, थोड़ा सा सोच समझ के मतलब ऐसा, तो लेकिन मैंने आपको वहाँ शो कर दिया, जिस हाथ में हम फिलर रॉड को पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, फिलर रॉड, फिलर
रॉड को पकड़ेंगे ना, जिस हाथ में हम फिलर रॉड को पकड़ेंगे, रॉड को पकड़ेंगे, वही हाथ आपका वेल्डिंग टेक्निक में नामा माना जाएगा, ठीक है, फिलर रॉड, ठीक है। आज के लिए हम यहीं धन्यवाद करने वाले हैं, लेकिन सुनो मेरी बात, अगली कक्षा में एक छोटी सी वेल्डिंग है, थोड़ा बीच में देख लेना इसको, बाकी हम फिलर इसके क्वेश्चंस लेंगे थोड़ा सा, कौन सी वेल्डिंग, थर्मिस्ट वेल्डिंग है, तो अगली कक्षा में आप इसको थर्मिस्ट वेल्डिंग को देख लेना, बाकी ये वाला क्लास आपने समझ लिया किसकी, इसकी क्या नाम है, गैस वेल्डिंग के अकॉर्डिंग। अब गैस वेल्डिंग के क्वेश्चंस वगैरह हैं तो हम दोनों वेल्डिंग की एक साथ क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि एक वेल्डिंग में इतने पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, दोनों को एक साथ लेंगे, थर्मिस्ट के और किसके, फिल आपके गैस वेल्डिंग है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं थर्मिस्ट वेल्डिंग की, और ये आज आपने समझा गैस वेल्डिंग के बारे में, और भी कोई जानकारी होगी इसके बाद गैस वेल्डिंग के बारे में तो और भी आपको दे दी जाएगी ना। आज के लिए धन्यवाद, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।